बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई और यूएई की ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये न्यूज़ आपको दिन के आगाज़ से सबसे पहले ही सेंड की जाती हैं ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। आज 26 अप्रैल 2020 है और रमज़ान मुबारक का तीसरा रोज़ा है। अगर आप चाहें तो ये न्यूज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो सिर्फ शेयर कर दें। तो सबसे पहले हमारी न्यूज़ थी कि दुबई कुल अदाशुदा पार्किंग को दोबारा फ़ाल करेगा। मेट्रो बसें दोबारा शुरू हो जाएंगी आज से। तो तफसीलात के मुताबिक दुबई की मेट्रो बसें और टैक्सियां खिदमात आज से शुरू होंगी। इजाफी तौर पर इमारात में भी अदाशुदा पार्किंग को दोबारा फ़ाल किया जाएगा। इमारात में नकल व हरकत जुज़वी तौर पर कंट्रोल को कम करने के लिए दुबई के सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फ़ैसले के बाद ये बात सामने आई है कि यहाँ आपको जानने की क्या क्या ज़रूरत है। तो कुछ सवालात उन्होंने क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने शाये किए हैं कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है इसके लिए। तो पहला है कि रमज़ान में पार्किंग की अदायगी के औकात कार क्या हैं, उसके वक्त क्या है। तो इसका जवाब दिया उन्होंने कि अप्रैल से अवामी पार्किंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक है और शाम 8 बजे से रात 12 बजे तक अदायगी की खिदमत सरअंजाम देगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से ज़राए बहाल होंगे, क्या किरायों में कोई फ़र्क होगा या नहीं होगा। तो इसमें बताया उन्होंने कि दुबई मेट्रो और अवामी बसें आम किरायों पर 26 अप्रैल से चलेंगी, यानी कि आज से दोबारा फ़ाल हो जाएंगी। जब सवारियों को किस किस्म के एहतियाती तदबीर का इख्तियार करना होगा, तो सवारियों को चेहरे के मास्क पहनने और दूसरों से जिस्मानी फासला बरकरार रखने की भी ज़रूरत होगी। अगर हो सके तो हैंड सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें, वो भी अपने साथ रखें, और ग्लव्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको 1000 दिरहम का जुर्माना भी हो सकता है। उसके बाद है टैक्सियों का क्या होगा। टैक्सी सवारियों के लिए जारी हिफाजती सेहत के इकदाम अपनी जगह पर जारी रहेंगे। उनमें पिछली नशस्त पर सवारियों की तादाद 2 तक महदूद रखना और ड्राइवर और मुसाफिरों के दरमियान अलग थलग रखना शामिल है। उसके बाद दुबई मेट्रो के औकात कार क्या हैं, उनके बारे में अपडेट आ गई है। तो हफ्ता तक जुमेरात शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक, जबकि जुमे वाले दिन सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक मेट्रो चलती रहेगी। अवामी बसों के औकात कार क्या हैं, उनके टाइम टेबल चेंज हुए हैं या नहीं हुए, तो इस बारे में भी अपडेट दी है कि वो अपने मामूल के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करेंगी। उसके बाद नंबर 2 पर बात करते हैं कि इतिहाद ने तयशुदा परवाज़ों के मअतली में 15 मई तक तौसी कर दी। एयरलाइंस ने कहा है कि वो 1 मई से मुसाफरों की परवाज़ें जुज़वी तौर पर दोबारा शुरू कर देगी। इतिहाद एयरवेज़ ने हफ्ते के रोज़ एक बयान में कहा है कि वो तयशुदा मुसाफिर परवाज़ों की मअतली 15 मई तक बढ़ा देगी। एयरलाइंस ने कहा था कि वो 1 मई से मुसाफरों की परवाज़ों को जुज़वी तौर पर दोबारा शुरू करेगी। मुत्तहिद अरब इमारात को दीगर एयरलाइंस खलीजी अरब रियासत छोड़ने के लिए ख्वाहिशमंद गैर मुल्कों के लिए सिर्फ आउटबाउंड परवाज़ें ही चल रही हैं, जिसने आलमी कोरोना वायरस से फैलने की वजह से गैर मुल्कियों को दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी। नंबर 3 पर बात करते हैं कि अजमान माल्स रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप खोलने की तैयारियां कर रहा है। DAD अजमान ने इदारों से मुतालबा किया है कि मखसूस शरात पर अमल पैरा हों। महकमा बरए इकतसादी तरक्की बरए अजमान ने इमारात में कुछ कारोबार दोबारा खोलने के लिए शरात और तकाजे तय किए हैं। दोबारा खोले जाने वाले कारोबार में नंबर 1 पर शॉपिंग मॉल्स, उसके बाद रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉपें और दफ्तर वगैरह भी शामिल हैं। उसके बाद DED अंजमान ने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए इदारों से मुतालबा किया है कि मखसूस शरायत पर अमल पैरा हूँ और महकमे ने कारोबार दोबारा खोलने के लिए कोई तारीख अभी तक मुतय्यन नहीं की। उम्मीद है इस बारे में कोई नई अपडेट जल्दी शाये हो। तो जैसे ही नई अपडेट आएगी हम आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। तो नंबर 4 पर आप लोगों के सवाल शाये किए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आयशा नसरीन नामी खातून हमसे पूछती हैं कि UAE में विजिट वीज़ा कब स्टार्ट होंगे। तो आप सभी को पता है UAE और दुबई गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की वजह से अभी तमाम एक्टिविटीज़ क्लोज कर दी हैं और जितने भी वीज़ा एक्सपायर हो चुके थे उनकी डेट सिर्फ 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। बाकी कोई भी न्यू अपडेट नहीं आ रही इस बारे में, लेकिन जैसे कोई नई अपडेट आती है तो हम आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। नंबर 2 पर पूछते हैं, नजम खान हमसे पूछते हैं कि दुबई के ड्राइविंग स्कूल कब ओपन हो रहे हैं। तो इस बारे में भी न्यू अपडेट नहीं आई, ऐसा तमाम चीज़ें ओपन होती जा रही हैं, लेकिन जैसे ही दुबई के ड्राइविंग स्कूल भी ओपन होंगे तो हम आपको लाजमी खबर करेंगे। नंबर 3 पर हारिस विलाम से पूछते हैं कि मेरा वीज़ा 16 मार्च को इशू हुआ था, मैं सोचता हूं कि UAE गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, तो क्या नया वीज़ा लेकर आना पड़ेगा या वहीं चलेगा, और फ्लाइट्स कब तक ओपन होंगी।
तो इसका सिंपल सा तरीका यह है कि यूएई और दुबई गवर्नमेंट ने अभी तमाम एक्टिविटीज़ क्लोज कर दी हैं, इस पर कोई भी नई अपडेट जो है वो नहीं आ रही। लेकिन जितने भी एक्सपायर वीज़ा थे जो कि दुबई के अंदर या यूएई के अंदर हैं, उन सब के वीज़े 31 दिसंबर 2020 तक उनकी डेट बढ़ा दी गई है। तो 31 दिसंबर के बाद हो सकता है कि अगर हालात ठीक हो जाएँ या उससे पहले भी आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 5 पर न्यूज़ शेयर करते हैं कि अबू धाबी पोर्ट्स ने बड़े रिलीफ पैकेज का भी ऐलान कर दिया। इमदादी पैकेज में Q2 के लिए 3 माह का किराया मौखर करना और अदायगी में ताखीर से जुर्माने और तौसीक की फीसों में भी छूट शामिल है। इमदादी पैकेज में नए सरमायाकारों के लिए इकदाम भी शामिल हैं, जिनमें दरख्वास्तों की फीसों को माफ़ करना, पहले साल के लिए ज़मीन की लेज की शरह में 25% कमी और तौसीक की फीसों में छूट और लैंड फिक्सिंग फीस से दस्तबदारी भी शामिल है इसमें। तो ये थी हमारे पास यूएई और दुबई की ताज़ा तरीन अपडेट्स। इसी तरह की अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के साथ, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।